ये बंधन दिलों के बंधन ये ना अब चल तो रही है। हेलो गाइस, कैसे हो? सो देखिए, सुबह की अभी 10:30 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं नीचे तैयार होके और घर जा रहे हैं हम राखी पे। और गाइस, ये है राखी पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि इसमें जोड़ रही थी तो बहुत लंबी हो जा रही थी वीडियो, तो गाइस उसे ज़रूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हम जा रहे हैं अभी अपनी बहन की सोसाइटी में क्योंकि वो भी हमारे साथ ही जाएगी। और गाइस, ये उस ब्लॉग में मैंने पूरा दिखाया है कि हमने कैसे शॉपिंग करी और तैयार वैयार होने तक का, वहीं वो ही पहले पार्ट में है, ये दूसरा पार्ट। और देखिए, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। सो गाइस, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, देखिए हम सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं बुलंदशहर और मिल राखी के लिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी नहीं है एटलीस्ट, ये अच्छी बात है आज। सो गाइस, देखिए ये है बुलंदशहर की नहर और यहाँ पे मैं आई थी विसर्जन करने, अपना पूजा का सामान तो विपिन ने कर दिया है विसर्जन, और मैं जब भी आती हूँ तब भी विसर्जन करके जाती हूँ, जो भी मेरा पूजा वूजा का सामान जुड़ा रहता है। और गाइस, इतना अच्छा मौसम हो रहा था और ये देखिए, जब बारिश का मौसम होता है तो ये नहर वगैरह बहुत फ्लो में आ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत गहरी है ये, तो अभी पानी, और जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो इसमें बहुत कम पानी होता है, लेकिन अभी बहुत फ्लो में है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, वो मेन रोड है तो इधर से हम यहाँ पे आ गए थे, इधर ही हमने विसर्जन कर दिया था। और गाइस, देखिए हम पहुंच चुके हैं घर पे और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन कौन आ गया है हमसे पहले, और अभी 1 से 1.5 बजने वाला है। हैप्पी रक्षाबंधन हो। हेलो गाइस, भाभी नमस्ते। नमस्ते। बर्थडे बॉय कहाँ रह गए? बर्थडे बॉय वो सामान रख रहा हूँ। और सुनाइए जी, तबियत कैसी है? हैप्पी बर्थडे बेटा। और गाइस, देखिए ये है मेरी बड़ी दीदी और ये उनकी बेटी हैं, तो ये आ चुके हैं अभी राखी के लिए। और गाइस, ये जो विश कर रही थी हैप्पी बर्थडे, ये मेरी भाभी थी, ये ओम को विश कर रही थी क्योंकि आज ओम का भी बर्थडे है। और गाइस, ये देखिए मेरी छोटी बहन भी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है, और हम सब बैठ के खाना वाना खा के बातें ही कर रहे थे और मैं मेहंदी लगवा रही थी क्योंकि वहाँ तो लग नहीं पाई काम के चक्कर में। और ये मेरी दीदी की लड़की है, मेहंदी लगा रही है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है गाइस। और शाम को भी बर्थडे भी है तो विपिन और वो गए हैं वहाँ बात करने, जहाँ पे हमें केक कटवाना है विपिन का। और ये गाइस देखिए, मेरा जो मेहंदी लग चुकी है, सिंपल सी मेहंदी लगवाई है मैंने, काफ़ी अच्छी डिजाइन बनाया है, फिर भी बहुत सुंदर लग रही है मेहंदी मेरी। सो गाइस, आप भी कमेंट में बताना कैसी लगी मेरी मेहंदी। और यहाँ पे देखिए, ये छोटू को राखी बांध रहे हैं सब, यही एक बस है घर में राखी बांधने के लिए, क्योंकि सब लोग होटल पे, हमारा होटल है ना, तो त्यौहार पे वहाँ भी काम बढ़ जाता है तो सब लोग वहीं पे हैं, तो बारी बारी से आएंगे, अभी तो कोई नहीं है घर पे, तो किसी को राखी नहीं बांधी है, बस इसी को राखी बांध रहे हैं हम, क्योंकि अभी घर में बस यही है तो इसी को बांध रहे हैं। अभी देखते हैं कितने बजे आते हैं हमारे, हमेशा यही होता है, हम जब आते हैं तो हम टाइम से कभी राखी नहीं बांध पाते क्योंकि वो लोग बिजी होते हैं होटल पे, तो जैसे जैसे आते हैं ऐसे राखी बांधते रहते हैं साथ पे। तो गाइस, देखते हैं कितने बजे आते हैं और हम कितने बजे राखी बांधते हैं। और यहाँ देखिए, यशिका बांध रही है राखी, ये सौरभ के बच्चे हैं दोनों छोटे छोटे, यशिका और यूवी, तो वो ही अपने भाई को राखी बांध रही है। अब राखी ये तो ऐसी बन जाएगी ना, आ
गाइस देखिए मैं अभी इनको राखी बांध रही, दोनों को इनके लिए राखी लाई थी और बहुत खुश हो रहा है छोटू देख के। ये देखिए उसको आपको दिखाया मैंने जब शॉपिंग करके आई थी, तो वो ब्लॉग में मैंने दिखाया राखी गुड्डे वाली सारी जितनी भी शॉपिंग करी है मैंने, तो कितना खुश हो रहा है, बहुत हैप्पी है वो गुड्डे की राखी को देख करके। मुझे आपको पसंद है। ये भी पसंद है। मुंह से कैसे निकल गया वर्ड। युवराज अपनी राखी दिखाओ। यस मैम। क्या मैं ये सारी राखी बांध के जाऊंगी स्कूल को? ये तो आवाज अलग आती होगी क्लास में। यस मैम। लाओ। तो यूवी कितना खुश हो रहा है राखी ने बड़ा बहुत ही पतली। मम्मी बुआ को दिखा दे। बुआ दिखा यूवी। बाय बुआ। ये तो मस्त आ गई है। पहले तो हमसे भी ये दे दिया, इसमें से हाफ हाफ कर लेना दोनों, ठीक है? आ गया समझ में? चलो बर्थडे में ले चलने। और ये तुम्हारा गिफ्ट। और गाइस देखिए यहाँ पे मेरी भाभी भी अपने घर जा रही हैं राखी बंधवाने, वो आ जाएंगी बंधवा के आज ही, बट अभी जा रही हैं तो मैं उनको भी राखी बांध दे रही हूँ, क्योंकि भैया अभी हैं नहीं मेरे, तो मैं भाभी को ही अकेले को राखी बांध दे रही हूँ। सोचा तो ये दोनों को एक साथ बांधूँगी, बट काम की वजह से ऐसा ही हो जाता है। तो भाभी तो निकल रही हैं घर और मैं इनको राखी बांध देती हूँ, तो शाम तक आएँगी फिर लौट के, फिर देखते हैं कौन कौन आते हैं फिर। और गाइस देखिए ये है सौरभ और सौरभ की वाइफ, और ये है उसको तो मैंने छोटू को पहले ही बांध दी थी, और सौरभ आया था घर नहाने तो, और ये सौरभ की वाइफ हैं, तो ये भी अपने घर जाएंगी राखी पे जा ही रही हैं, तैयार हैं, तो मैं इन दोनों को बांध देती हूँ। ये सौरभ अभी आया था बस होटल पे से, और इसके ये चला जाएगा फिर, देखते हैं कौन सा आता है, सुमित आता है या शिवम, तो अभी रहते हैं, अभी भैया भी रहते हैं, कोई किसी ने भी नहीं बंधवाई, तो ये नहा नहीं आया था बस होटल से, तो मैं इनको बांध देती हूँ राखी, ये भी चली जाएंगी फिर। और यहाँ देखिए गाइस यहाँ पे अंजलि और भावना राखी बांध रही हैं सौरभ को, क्योंकि अब ये चला जाएगा तो फिर आएगा नहीं, अब तो रात में ही आएगा लेट, तो फटाफट सब बांध दे रहे हैं राखी। और गाइस देखिए यहाँ पे आ गई है पायल बांधने राखी। देखिए गाइस यहाँ पे मेरे सबसे बड़े हैं मेरे भाई है घर में, मतलब हम सबसे बड़े हैं, तो ये भी आ गए हैं राखी बंधवाने। और गाइस भाभी तो मैंने दिखाया था आपको, वो सुबह ही चली गई थी अपने घर राखी बांधने के लिए, क्योंकि उनका भी ज़रूरी था जाना और उनको लौट के भी आना था, तो इसलिए उनको भी जाना पड़ा, और फिर मुझे अकेले इनका भी राखी अकेले ही बांधना पड़ रहा है, और भाभी को भी अकेले ही बांधनी पड़ रही है। मेरा मन था कि मैं एक जगह दोनों को बैठा के एक साथ में राखी बांधूं, बट काम की वजह से ही वही है ना सब, कि इनका होटल का काम है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता, कभी कभी होता है कि साथ मिल जाते हैं, लेकिन अलग अलग ही बांधनी पड़ी मुझे। बिंदी नाला का तो फायदे में रहते, बिंदी तो कभी ढकी नहीं बेचारी। हां उल्टी उल्टी ये देखिए चगातद है, अब चल तो रही है कौन है भाभी इनको बड़ा गरम हो ना आप तो कंगन को ऐसे ही नहीं घूम है नु हां घड़ी कर दे नहीं तो घुमा रही नहीं तो ऐसा घूम सही तो घुमा रही नु तो घुमा रही ना इन्होंने नु घुमाई ये बुआ एक बार और तुम्हारे देखने में फेर है देख लिया वीडियो में अरे अपने हाथ पीछे रख पागल सब मार इससे ज्यादा मैन इसमें है अपने इनको पूछ खाना अब बंदे नहीं
गाइस ये देखिए ये है सुमित और सुमित की वाइफ और ये सबसे लेट आया था तो हम राखी बांध रहे हैं, इसको भी मैंने बांध दिया है। और गाइस ये भावना राखी बांध रही है। और गाइस आप मुझे बताना, ये सब लोग बोल रहे मैंने आरती जो की है वो उल्टी की है, आप कमेंट्स में बताना मैंने आरती उल्टी की है या सीधी, मुझे तो सीधी ही लग रही थी। और गाइस अभी देखिए ये सब राखी बांध लेंगे यहाँ पे और हमें अभी बर्थडे में भी जाना है, राखी वाखी से निमट के बर्थडे में जाना है क्योंकि आज ही बर्थडे था तो सारे काम ऐसे हो गए ना आज ही। तो मैंने विपिन को और शिवम को भेजा है गाइस वहाँ पे बात करने के लिए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है एकदम गांव के एरिया में जंगल में है और काफ़ी सुंदर लगता है गाइस, तो हम उसी में जाएंगे बट हम शाम को जाएंगे। और मैंने दिन की वीडियो वहाँ से मंगवाई है तो उसने मुझे सेंड कर दी है वहाँ से विपिन ने, कैसा रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा छोटा सा है और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी उसको, क्योंकि बर्थडे की भी वीडियो इसमें शूट कर दी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया है। और गाइस वो पीछे वाली जो मेरा ब्लॉग है राखी पार्ट वन जिसमें शॉपिंग से लेकर तैयार होने तक का मैंने पूरा शूट किया है, प्लीज़ आप उसे भी देखना जाके तभी पूरा ब्लॉग समझ में आता है। मैंने तो बनाया था, मैं क्या बताऊँ। हमने बताया वो मेरा भाई है, ये तू मेरा भी है। मजे आप बता, चलो सुनील शेट्टी की फिल्म तो ये क्या। सो गाइस देखिए मेरे लेफ्ट साइड में मैंने लिंक दे दिया लास्ट वाले ब्लॉग का राखी पार्ट वन का और आप देखिएगा ज़रूर। और गाइस यहाँ पे देखिए हम मस्ती कर रहे थे और गाइस बस शिवम और रह रहा है, वो और आ जाए उसको राखी बांध देंगे और वो गए हैं रेस्टोरेंट में बात करने इसलिए लेट हो रहा है उनको भी। और गाइस देखिए यहाँ शिवम आ गया और गाइस देखिए शिवम की भी राखी बंध गई और हो गया लास्ट। अब चलते हैं बर्थडे की तैयारी करने, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, बाय। बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल पर हमारी भी रक्षा करना। हमारी रक्षा तुम कर दे, मोरगी गाइस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड और मिलते हैं बर्थडे वाले ब्लॉग में। और गाइस ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।